बहार छा जाती है जब ये त्योहार साथ संगत अपने सदगुरु के साथ मनाती है। त्योहार के इस मौके पर पूज्य पिताजी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करते हैं और कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मन मोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की खास पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं डेरा सच्चा सौदा के बिल्कुल बाहर, जहां डेरा संस्थापक श्याम अस्ताना जी का आज जन्मदिवस मनाया जा रहा है। और दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में डेरा सच्चा सौदा को दुल्हन की तरह सजाया गया है, जहाँ काफ़ी संख्या में जो है श्रद्धालु आज इस बड़े आयोजन में शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 5 सालों के बाद सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में बड़ा आयोजन हो रहा है। हर बार शाह मस्ताना जी के जन्मदिवस पर कार्यक्रम होते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है गुरु जी के जाने के बाद जो है बड़े स्तर पे आज पहली बार आयोजन हो रहा है। तस्वीरें मैं आपको सिरसा के डेरा सच्चा सौदा के दिखा रहा हूँ। इसको लेकर कुछ श्रद्धालुओं से ही बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है, और आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखाएंगे कि अंदर किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है, किस तरह से लोग सत्संग में शामिल हो रहे हैं, कितनी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं, और गुरु जी लाइव जो है पत्ती के द्वारा किस तरह से है श्रद्धालुओं को मैसेज देंगे। तस्वीरें आपको अंदर की भी दिखाएंगे। इस वीडियो को साथ के साथ आप शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जो है कैसे पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 सालों के लंबे समय के बाद डेरा सच्चा सौदा में बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, वो तस्वीरें हम आपको सिरसा के डेरा सच्चा सौदा की दिखा रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक बेपरवाह मस्ताना महाराज का जन्म माह मनाया जा रहा है। कार्तिक मास की पूर्णिमा पर हर बार बड़ा आयोजन होता है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा सोशल मीडिया के जरिए डेरा श्रद्धालुओं से रूबरू भी हो रहे हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि डेरा प्रमुख द्वारा डेरा प्रेमियों को मानवता भलाई का संदेश दिया जा रहा है। तो इस आयोजन को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियाँ की गई हैं। आपको बता दें कि डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक वर्ष 1948 में सिरसा के बेगू रोड पर छोटी सी कुटिया के रूप में डेरा सच्चा सौदा की स्थापना की थी। मस्ताना जी का जन्म 1891 में पाकिस्तान के बलोचिस्तान में हुआ था। सिरसा में कुटिया बनाने के बाद लोगों को राम नाम से जोड़ा। मस्ताना जी के बारे में प्रसिद्ध है कि वे सेवादारों से आश्रम बनवाते और फिर उसे ढा देते। 1948 से लेकर 1960 तक लोगों को राम नाम से जोड़ा। बाद में सतनाम सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाया और 1960 से 1990 तक सतनाम सिंह ने डेरा सच्चा सौदा को संभाला। इसके बाद गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बनाया गया। डेरा सच्चा सौदा के 6 करोड़ से भी ज्यादा सेवादार अपना सबसे बड़ा त्यौहार मना रहे हैं। इस त्यौहार का इंतजार सद्गुरु के सभी दीवानों को बड़ी बेसब्री से रहता है। पूरी कायनात झूम उठती है और दिल पर बहार छा जाती है जब ये त्यौहार साथ संगत अपने सद्गुरु के साथ मनाती है। त्यौहार के इस मौके पर पूज्य पिताजी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करते हैं और कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं।